दोस्तों कोई भी अरेस्ट वारंट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही जारी किया जाता है, उस पर साइन होते हैं मजिस्ट्रेट के, मोहर लगी होती है न्यायालय की, और जिस व्यक्ति को वो जारी कर रहे हैं उसका नाम पता और उसके ऊपर क्या ऑफेंस है ये सारी चीज़ें मेंशन करके ही कोई भी वारंट जारी किया जाता है। अब जिस व्यक्ति को अरेस्ट वारंट जारी किया गया है उसके पास क्या उपचार है ऐसे अरेस्ट वारंट से डील करने के लिए, तो मान लीजिए कि कोर्ट के सामने कोई कंप्लेंट आती है, वो बंदा जो कंप्लेंट ले गया था पहले वो पुलिस के पास गया, उसने नहीं सुनी, पुलिस ने उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की, वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में जाकर के उसने एफआईआर को दर्ज करा दिया। तो यहाँ पर कोर्ट को लगा कि यार ये जो महिला है जिसने कंप्लेंट अपने समक्ष पेश की है इसकी बात जेन्युइन लग रही है, अरेस्ट वारंट जारी कर दी जाए उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति ने इस तरीके का कृत्य या क्राइम किया है। ठीक है, अब आपके पास क्या रेमेडी है, क्या है आपका अरेस्ट वारंट जारी हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास 438 सीआरपीसी का प्रावधान है एंटीसिपेटरी बेल का, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं 438 के अंदर, नॉट श्योर कि आपकी बेल होगी लेकिन आपके पास प्रोविजन तो है 438 सीआरपीसी का। एग्जांपल के तौर पे आपको ये लगता है कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया, देन आपकी चांसेस हैं 438 में, आपके पास कोई प्रूफ है तो आपके चांसेस हैं, अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है सीआरपीसी का 70 सेक्शन, सीआरपीसी का 70 और उसका सब सेक्शन 2 आप देखेंगे तो उसमें मेंशन है किसी भी अरेस्ट वारंट को कन्वर्ट कराने के लिए इनटू द बेलेबल वारंट, मतलब आप कोर्ट के समक्ष जिसने जारी किया है उसके समक्ष आप आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपने वकील के माध्यम से। आपको खुद को अपीयर नहीं होना है कि सर श्रीमान जिस कंप्लेनेंट के कहने पर आपने जो वारंट जारी किया है इसको वापस से बेलेबल वारंट के अंदर आप कन्वर्ट करने का निवेदन है आपसे, इसको वापस से कन्वर्ट किया जाए क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है जो मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसने इस तरीके का कोई एक्ट या क्राइम नहीं किया है। अब वो खारिज कर देती है तो इसके आप सेशन कोर्ट के अंदर जाकर के रिवीजन कर सकते हो 397 सीआरपीसी में। और अगर मान लो कि आपको लगता है कि यार किसी भी कोर्ट ने कोई भी कॉग्निजेंस ले लिया किसी भी केस के अंदर आपके विरुद्ध कॉग्निजेंस लेकर के वारंट जारी कर दिया तो डायरेक्ट 397 सीआरपीसी में आप तीसरा ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको रिवीजन कर सकते हो उस आदेश की जो कि कोर्ट ने लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे जो कंप्लेनेंट थी उसने कोर्ट में जाके शिकायत करी और वहां पर कोर्ट ने उसकी बात को मानते हुए आप पे 498 है और 406 आईपीसी का अपराध मानते हुए आपको कॉग्निजेंस के लिए कॉग्निजेंस दे लिया आप पे, कॉग्निजेंस मतलब आप पे आरोप लगाना चाहती है कोर्ट ये, और कोर्ट के प्रसंज्ञान में आ गया कि यार ये आरोप इस पे बंदे बनता है इसको कॉग्निजेंस ले लिया जाए, इस पे इसकी वारंट जारी कर दी जाए, वारंट जारी कर दी आपके तो आपकी नॉलेज में आ गया आपके पास कैसे भी आपको पता चल गया हो तो आप उस आदेश की नकल निकलवाएंगे आपके वकील के माध्यम से, उस आदेश की आप रिविजन कर देंगे तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, तब तक वो रिविजन आपकी पेंडिंग रहेगी सेशन कोर्ट के अंदर। दूसरा ऑप्शन ये वो आदेश जिस पे आधार पर वारंट जारी हुआ है ने चैलेंज कर दिया है कि कोर्ट ने जो आपके विरुद्ध कॉग्निजेंस लिया है वो गलत लिया है, उसको चैलेंज आप करेंगे, आपके पास जो प्रूफ है उसको आप अपने वकील को बताएंगे तो 397 सीआरपीसी में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रेमेडी आपके पास है 482 सीआरपीसी में आप जा सकते हैं उस कॉग्निजेंस के खिलाफ जो कोर्ट ने लिया है। 482 सीआरपीसी में एनी केस एनी एफआईआर जो भी कोई भी मामला आपके विरुद्ध दर्ज हुआ है उसके विरुद्ध भी जा सकते हैं, चाहे पुलिस के सामने हुई हो या किसी के भी सामने हुई हो, कोई अरेस्ट आपको करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है ज़बरदस्ती आपने कुछ नहीं किया, देन यू कैन गो फॉर 482 सीआरपीसी। हाई कोर्ट में ये लगेगी डायरेक्ट एप्लीकेशन, वहाँ जाकर के आप इसका आवेदन करें, अपने पास जो प्रूफ है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप प्रस्तुत करेंगे, आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट आपकी बात को क्यों माने। अगर आपके पास कोई ऐसा एडवांटेज है, ऐसा कोई आपके पास प्रूफ है, ऐसा कोई सबूत है तो कोर्ट को आप पेश करें और कोर्ट को आप यकीन दिलाएं कि भाई मैंने इस तरीके का कोई क्राइम या कृत्य नहीं किया है। तो ये 3 से 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, 438, 72 सीआरपीसी, 397 सीआरपीसी एंड 482 सीआरपीसी। ये अगर आपको कोई अरेस्ट वारंट जारी करता तो उनके रिगार्डिंग आपके पास ये रेमेडी है, आप इनका यूज़ लेकर के अपने आप को बचा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, एफबी पेज को, एवरी संडे को लाइव हम बात करेंगे, वहाँ पर आप मेरे सवाल कर सकते हैं लाइव, और कोई नया व्यूअर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आपको कानून की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।